नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3ds Max ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ रेलिंग्स के बारे में, कैसे आप रेलिंग बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रेलिंग्स के लिए आपको अगेन वहाँ पे जाना है AEC एक्सटेंडेड में, आप क्लिक करें और उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे रेलिंग्स में। आप रेलिंग्स पे क्लिक करें और आपको जो रेलिंग बनानी है, कैसे बनानी है, पहले देनी है विड्थ, कितनी आपको लेंथ चाहिए या विड्थ चाहिए, और फिर आप दे सकते हो हाइट कि कितनी आपको यहाँ पे हाइट चाहिए। तो आपकी रेलिंग यहाँ पे बनके रेडी हो जाएगी। अब रेलिंग में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चलता हूँ इसके मॉडिफिकेशन टूल बार पे, अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ यहाँ से रेलिंग्स को, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है पिक रेलिंग पाथ। ये तब यूज़ करेंगे जब हम एक पाथ को बनाएंगे, तब हम इसका यूज़ करेंगे। अभी बात करते हैं यहाँ से लेंथ से। यहाँ से आप रेलिंग की लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हो, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो लेंथ से। आप इसको यहाँ से ऐसे ओपन कर सकते हो ताकि वो दोनों साथ में दिखें। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ से आप लेंथ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। उसके बाद है, अब बात करते हैं टॉप रेल की। जो यहाँ पे है ये, इसे बोलते हैं टॉप रेल। इसकी प्रॉपर्टीज़ है सबसे पहले कि टॉप रेल आपको चाहिए या नहीं चाहिए। प्रोफाइल तो आप नन कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए तो। उसके बाद है राउंड। अगर आपको ये राउंडेड चाहिए तो आप राउंडेड रख सकते हैं। इसकी डेप्थ कितनी चाहिए, आप डेप्थ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसकी विड्थ कितनी चाहिए, आप इसकी विड्थ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। और इसकी कितनी हाइट चाहिए, आप अपनी रेलिंग की हाइट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसे स्क्वायर में तो आप स्क्वायर कर सकते हैं। इसकी डेप्थ कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए और इसकी हाइट कितनी चाहिए, सेम आप यहां से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लोअर रेल की। ये है आपकी लोअर रेल। इसमें भी ऑप्शन है नन। अगर आप राउंडेड चाहते हैं तो आप राउंडेड रख सकते हैं। ये आपका यहां पे राउंडेड हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और राउंडेड चाहिए तो आप राउंडेड रख सकते हैं। वही आप इसकी डेप्थ कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक रोवर लेनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक लोअर रेल नहीं चाहिए, मेरे को दो तीन लोअर रेल चाहिए। तो इसके यहाँ पे एक लोअर रेल स्पेसिंग की प्रॉपर्टी, आप इस पर क्लिक करें तो आपके एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आप कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ आपको लोअर रेल चाहिए। आप यहाँ से काउंटिंग इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिंग चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करें, इसे फ्री सेंटर कर दें, स्पेसिंग आ जाएगा। इनके बीच की स्पेसिंग आपको कितनी रखनी है वो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। या फिर आप स्टार्ट ऑफसेट को ऑन कर सकते हैं कि कहाँ से आपका ऑफसेट स्टार्ट हो, आप इसे ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। और एंड ऑफसेट कहाँ पे हो, आप इसे भी यहाँ से ऑन कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे क्लिक करें, एंड ऑफसेट पे क्लिक करें तो यहाँ से एंड ऑफसेट पे डाल सकते हैं आप। क्लियर, स्टार्ट ऑफसेट और एंड ऑफसेट आप इस तरीके से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद सेंटर के अकॉर्डिंग चाहिए, जो आपका कॉन्टेस्ट है सेंटर के अकॉर्डिंग चाहिए या एज के अकॉर्डिंग चाहिए, इनको भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सेंटर चाहिए या एज के अकॉर्डिंग चाहिए, अभी आपका कुछ इस टाइप में आया है। फिर से आप फ्री सेंटर करके इनकी स्पेसिंग को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे एंड ऑफसेट पे जाके आप इसको स्पेसिंग को कम करें, एंड ऑफसेट को आप यहाँ से, अगर मैं स्टार्टिंग ऑफसेट करता हूँ तो आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। क्लियर। एंड इसके बाद मैं क्लोज करता हूँ। तो ये था लोअर रेल। अब बात करते हैं पोस्ट की। जो ये होते हैं स्टार्टिंग में और एंड में, इसे बोलते हैं पोस्ट। पोस्ट की प्रॉपर्टी है नन, करोगे तो नन हो जाएगा, राउंड करोगे तो राउंडेड आ जाएगा, स्क्वायर में करना आप स्क्वायर कर सकते हो। इसकी डेप्थ कितनी रखनी है, आप डेप्थ इंक्रीज कर सकते हो। इसकी विड्थ कितनी रखनी है, आप विड्थ इंक्रीज कर सकते हो। और एक्सटेंशन, इसकी हाइट कितनी रखनी है, नीचे से आपको कितनी हाइट पे चाहिए, वो आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर मान लो नंबर ऑफ पोस्ट भी इंक्रीज करनी है, मान लो मिडल में भी मुझे एक पोस्ट चाहिए, तो फिर इस पर क्लिक कर सकते हो स्पेसिंग पे। और यहाँ से आप काउंट इंक्रीज कर सकते हो, तो आपकी दो पोस्ट हुई और दोनों पोस्ट के बीच में दो दो आपकी जो आपकी ये बीच, इसे बोलते हैं पिकेट्स वगैरह, ये पिकेट्स भी आपकी दो दो हो गई। यहाँ से क्लोज कर सकते हैं।
उसके बाद फेंसिंग की, अगर मेरे को फेंसिंग की प्रॉपर्टी यहाँ पे नन करनी है, नन हो जाएगी जो ये फेंसिंग्स हैं आपकी। अगर फेंसिंग पिकेट्स करनी है आपको तो आप पिकेट्स कर सकते हो। इसका प्रोफाइल आप चूज़ कर सकते हो कि राउंडेड चाहिए या इसका प्रोफाइल आप स्क्वायर कर सकते हो। इसका प्रोफाइल आप यहाँ से स्क्वायर कर सकते हो और उसकी प्रॉपर्टी आप चूज़ कर सकते हो कि आपको डेप्थ कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, एक्सटेंशन वो ऊपर की तरफ आपको कितनी चाहिए, बॉटम से ऑफसेट आपको कितना चाहिए, वो आप इसको यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और इंक्रीज़ डिक्रीज़ करनी है तो पिकेट स्पेसिंग पे जाके आप इसकी पिकेट स्पेसिंग को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते। उसके बाद अगर आपको पिकेट्स नहीं चाहिए तो आप इसे सॉलिड फिल कर सकते हैं, तो ये सॉलिड फिल हो जाएगा। यहाँ पे सॉलिड फिल की थिकनेस आपको कितनी इंक्रीज डिक्रीज करनी है वो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। टॉप ऑफसेट कितना चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से टॉप से ऑफसेट आ जाएगा। बॉटम से कितना ऊपर से चाहिए बॉटम से ऑफसेट डाल सकते हो। लेफ्ट से कितना ऑफसेट चाहिए वो डाल सकते हो और राइट से कितना ऑफसेट चाहिए आप वो डाल सकते हो। और उसके बाद इस पर आप ग्लास का मटेरियल डाल सकते हो ताकि वो ग्लास की आपको फेंसिंग यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। उसके बाद अब ये तो था रेलिंग मैंने बनाया। अब अगर मैं पाथ बनाता हूँ, मान लो मेरे पास एक पाथ है, मान लो मैंने लाइन की हेल्प से एक पाथ बनाया, लाइन वगैरह मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको। अब मेरे को इस पे चाहिए एक रेलिंग, तो दोबारा से मैं जाता हूँ यहाँ पे AEC एक्सटेंडेड रेलिंग पे। अब करता हूँ क्लिक में पिक रेलिंग पाथ पे, पिक रेलिंग पाथ पे क्लिक करो और इस पाथ को सिलेक्ट कर लो, तो आपके कुछ इस टाइप से रेलिंग आ जाएगी। बट रेलिंग आनी चाहिए थी ऐसे, बट आई है कुछ इस टाइप में। इसका रीज़न क्या है अगर आप इसको जाते हो इसकी प्रॉपर्टी पे, देखो इसमें जो आपकी पोस्ट लगी है, जो आपकी पोस्ट है वो दो है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तीन है तो एक यहाँ पे लगी है। मेरे को पोस्ट चाहिए इसकी चार, तब ये ऐसे आएगा। तो मैं यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करके इसकी पोस्ट को चार कर देता हूँ, क्लोज करता हूँ, तो अब कुछ इस टाइप में आपकी यहाँ पे रेलिंग्स आ गई हैं, क्लियर। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो कि आपको पिकेट से ये क्या चाहिए, कितना क्या चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग अब इसे इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से कर सकते हो। कुछ इस टाइप में आपकी रेलिंग आ जाएगी। अब देखो रेलिंग कुछ आई है कुछ ऐसे अजीब सी शेप में आई है, इसका रीजन है इसके सेगमेंट्स। आप इसके सेगमेंट्स इंक्रीज करो, जितने आप सेगमेंट्स इंक्रीज करोगे उतना आपकी रेलिंग स्मूथ आपकी आ जाएगी और अच्छे से आपकी रेलिंग यहाँ पे शो हो जाएगी। और इसकी चेंजिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे भी आपको रेलिंग की चेंजेस करनी है, क्लियर है। तो ये था आपका रेलिंग, कैसे आप रेलिंग लगा सकते हो। कहीं पे भी किसी भी पाथ पे आप रेलिंग लगा सकते हो। सबसे बेस्ट रहता है कि आप पाथ बनाएं और उसके बाद पिक पाथ करके रेलिंग को वहाँ से सिलेक्ट करें, तो ऐसे आप अपनी रेलिंग को क्रिएट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको और भी चीज़ों के बारे में क्लियर करूँगा। सो थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.